जैसे जैसे मेरी उम्र में इजाफा होता गया, मुझे समझ आती गई कि अगर मैं 3,000 की घड़ी पहनूं या 30,000 की, दोनों वक्त एक जैसा ही बताएंगी। मेरे पास 3,000 का बैग हो या 30,000 का, उसके अंदर की चीजें तब्दील नहीं होंगी। मैं 300 गज के मकान में रहूं या 3,000 गज के मकान में, तन्हाई का एहसास एक जैसा ही होगा। आखिर में मुझे ये भी पता चला कि अगर मैं बिजनेस क्लास में सफर करूं या इकोनॉमी क्लास में, मैं अपनी मंजिल पर उसी मुकर्रर वक्त पर पहुंचूंगा। इसलिए अपनी औलाद को मालदार होने की तरगीब मत दो, बल्कि उनको ये सिखाओ कि वो खुश किस तरह रह सकते हैं, और जब बड़े हों तो चीजों की कदर को देखें, कीमत को नहीं। दिल को दुनिया से ना लगाओ कि वो फानी है, बल्कि आखरत से चिमट जाओ क्योंकि वो बाकी रहने वाली है। क्या ये जरूरी है कि मैं आईफोन उठाकर फिरूं ताकि लोग मुझे जहीन और समझदार माने? क्या ये जरूरी है कि मैं रोजाना KFC खाऊं ताकि लोग ये ना समझें कि मैं कंजूस हूं? क्या ये जरूरी है कि मैं रोजाना दोस्तों के साथ बैठक किसी बड़े महंगे कैफे पर जाकर लगाया करूं ताकि लोग ये समझें कि मैं खानदानी रईस हूं? क्या ये जरूरी है कि मैं नाइक या एडिडास से कपड़े लेकर पहनूं तो जेंटलमैन कहलाया जाऊंगा? क्या ये जरूरी है कि मैं अपनी हर बात में 2-4 अंग्रेजी के लफ्ज ठोंसूं तो महजब कहलाऊं? क्या ये जरूरी है कि मैं एडली या रेहाना को सुनूं ताकि साबित कर सकूं कि मैं तरक्की याफ्ता हो चुका हूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कपड़े आम दुकानों से खरीदे हुए होते हैं, दोस्तों के साथ किसी भी जगह बैठ जाता हूं, भूख लगे तो किसी ठेले से लेकर खाने में भी कोई आर नहीं समझता, अपनी सीधी सादी जबान बोलता हूं। चाहूं तो वो सब कुछ कर सकता हूं जो बयान कर चुका हूं, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मेरी एडिडास से खरीदी गई एक कमीज की कीमत में पूरे हफ्ते का राशन ले सकते हैं। मैंने ऐसे खानदान देखे हैं जो मेरी एक KFC बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। बस मैंने यहाँ से राज पाया है कि पैसे सब कुछ नहीं। जो लोग जाहिरी हालत से किसी की कीमत लगाते हैं, वो फौरन अपना इलाज करवाएं। इंसान की असल कीमत उसका अखलाक, बर्ताव, मेलजोल का अंदाज, सिल्ला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी जाहिरी शक्लो सूरत। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।